दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम ग्यारसलाल गुजर है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको नए साल की। दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से यह कहना है, सभी ड्राइवरों से यह कहना है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, 20 साल का मुझे अनुभव है, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैंने 20 साल की पूरी कस्टडी करके मेरी लाइफ में। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पूरी 20 साल की कस्टडी करने के बाद आपको कह रहा हूँ, हर साल आप एक आदत को छोड़ दीजिए। हर साल अगर आप हर साल एक आदत को छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ इतनी आगे जाने वाली है दोस्तों, आपको खबर ही नहीं है। आपके अंदर वो हुनर है जिस हुनर को विदेशों तक तड़प है, विदेश भी उस हुनर की पूजा कर रहे हैं आपके हुनर की। ड्राइवर भाइयों से कह रहा हूँ मैं, आपके हुनर की पूरा विदेश पूजा कर रहा है, पूरा देश पूजा कर रहा है, इंडिया पूजा कर रहा है, विदेश पूजा कर रहे हैं। तो जब आपको ये खबर ही नहीं है कि मेरे में कितना हुनर है, आपको आप में वो हुनर है, अगर आप एक दिन के लिए हड़ताल कर दें तो देश के बच्चों के पास दूध नहीं पहुँचेगा, दूध तक बच्चों के पास नहीं पहुँचेगा, घर का चूल्हा तक नहीं जलेगा दोस्तों, अगर जिस एक दिन के लिए ड्राइवर हड़ताल कर देगा। तो खाने के लिए जब आप दूध वगैरह, राशन, सब्जी वगैरह ही नहीं पहुँचेगी, तो आपको ये खबर ही नहीं है कि मेरे में क्या हुनर है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि नई साल है, आप लोग सब जानते हो नई साल, तो अपने एक आदत को सुधारो आप। मतलब आदतों से वो फ्यूचर जनरेट होता है, आदतों से नया फ्यूचर जनरेट हो सकता है दोस्तों। अपनी आदत, अगर एक हर साल में आप एक आदत को लात मार सकते हैं, एक आदत को आप लात मार सकते हैं, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है दोस्तों। मैंने 20 साल में मेरी ऐसी ऐसी आदतें थी दोस्तों, उनको सबको छोड़ने के बाद मेरे को इतना ज्ञान मिला है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सब ड्राइवर भाइयों को मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैंने पूरी कस्टडी करने के बाद आपसे ये बात कह रहा हूँ दोस्तों। तो आप एक आदत छोड़ दीजिए आपकी। अब आप पूछोगे हमारे में कौन सी आदत, जिसमें आदत नहीं है उनको नहीं बोल रहा मैं, वो उनको तो एक ही आदत, उनको अलग बताऊंगा, उस विषय पे अलग जाऊंगा। लेकिन जिस भाई में 20 साल से वो गुटखे खाते आ रहा है, 20 साल से बीड़ी पीते आ रहे हैं, 20 साल से दारू पीते आ रहे हैं, 20 साल से ऐसे नशे करते आ रहे हैं जिनकी मतलब इंसान के लिए कोई डिफॉल्ट ही नहीं है, किसी मतलब हद तक ही नहीं जा सकता वो नशा, इंसान के लाइक है ही नहीं, उस नशे को आप करते हैं। अब दोस्तों आप ये अनुमान लगाओ कि जब आपको एक आदत सालों से आपको जकड़ रखी है, तो भविष्य कहाँ से बनने वाला है? आप लोगों को पता है, आप जैसे अपने बाप दादा करते आ रहे हैं वैसे अगर अपन ही चलते रहेंगे, अपन उसी ड्राइवरी तक सीमित रहेंगे, कुछ तो आपको नया करना पड़ेगा, कुछ तो आपको अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप में सालों से गुटखा खाने का बैल है तो उसको छोड़ना होगा, उस पर चोट करनी होगी। अगर उसको आप नहीं छोड़ोगे तो दोस्तों फ्यूचर नहीं बन सकता, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। आप इतनी बड़ी इंसुलेट करवा लेते हो जब आप गुटखा खाते हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, आप अपनी कंपनी का ऑफिस लगा लो यार। अपन जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, जिस कंपनी की ड्राइवरी करते हैं आप लोग, उस कंपनी के ऑफिस में जा रहे हैं, उसके टॉयलेट वगैरह में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो वहाँ गुटखा अंदर बैठ के खाते हैं बाथरूम में। इतने ड्राइवरों की तो आदत है, 70% ड्राइवर तो मैं आपको ऐसे बता दूँ, मतलब 30% की तो नहीं कर सकता, लेकिन 70% ड्राइवर ऐसे बता दूँ कि बाथरूम जाने से पहले गुटखा खा के उसके बाद बाथरूम जाएगा वो। कुछ ड्राइवर बाथरूम में बैठ के बीड़ी पीते हैं, कुछ ड्राइवर तो गुटखा खा के ही बाथरूम में, और फिर उधर ही थूकना, अरे भैया खाना ला के देंगे आपको, बाथरूम में खाना भी खा सकते हैं यार। नई साल है, कुछ तो आप इस नई साल में अपना चेंज करो यार। नई साल में आपको चेंज करना पड़ेगा, आपने दोस्तों एक आदत छोड़नी पड़ेगी आपको। ये 2021 आपके लिए आया है, तो एक आदत आप मेरे कहने से छोड़ के देखिए, और फिर उसके बाद मेरे से संपर्क करना दोस्तों। आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जाने वाली है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरा कारण आपको बताऊं दोस्तों, ये तो हो गई नशे की बात। दूसरा कारण दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ यार, जहां भी आप बैठते हो कुछ अपनी गाड़ी पे फोकस डालो ना यार। जब आप ओवरटेक करते हो तो एक मिनट, एक सेकंड में आप डिसीजन लेते हो, एक सेकंड नहीं लगाते ओवरटेक में आप डिसीजन लेने में, वैसा डिसीजन अपनी लाइफ पे डालो ना भैया। जो एक सेकंड आप ओवरटेक में लगाते हो वो डिसीजन अपनी लाइफ पे भी डाल सकते हैं आप। ये देखो कि अपने लाइफ कहाँ से कहाँ, मतलब आपके पास इतने संसाधन है, इतनी बड़ी गाड़ी है आपके पास, इतनी बड़ी कंपनी की महिंद्रा लॉजिस्टिक की आप नौकरी कर रहे हैं, इतनी बड़ी महिंद्रा प्लांट की आप कारें सप्लाई कर रहे हैं महिंद्रा की, आप महिंद्रा फैक्ट्री में चलते हो,
मतलब इतने बड़े मालिक के पास आप नौकरी करके और उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, आपके पास बहुत संसाधन, लेकिन कुछ तो पता होगा कि कैसे निकालना है, तो ही तो लाइफ आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों 70% ड्राइवरों को तो यही नहीं मालूम, वो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो साफ खराब है, वो फलाना खराब है, वो गाड़ी तेल खा गई, वो फलाना खा गई, मतलब गाड़ी पकड़ने से पहले 70% ड्राइवर गाड़ी पकड़ने से पहले, भैया सही है क्या गाड़ी तेल तो नहीं खाने वाली, भैया कुछ तो अपनी लाइफ में सुधार करो, पहले रोजी पे आया नहीं उससे पहले तू करने लग गया, कुछ तो गाड़ी सही दो मेरे को, पुरानी गाड़ी है नई गाड़ी है। असली ड्राइवर होगा ना दोस्तों, असली ड्राइवर होता है ना, असली चैंपियन भरे बाजार में से निकाल लिया जाता गाड़ी को, और जिसको चलाने नहीं आती ना वो ऐसे करता है यार, रात को ट्रैफिक कम होने दे दिन में चलेंगे, वो 12 बजे चलेंगे, रात को 12 बजे चलेंगे, वो ऐसे करता रहता है, उसकी लाइफ भी ऐसे बीतती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी लाइफ को अगर बदलना है तो दोस्तों निंदा करना बंद कीजिए, निंदा करना बंद कीजिए, मतलब खुद पे काम करिए, आप खुद पे ध्यान लगाओगे उतना ही आपकी लाइफ आगे जाने वाली है। आप एक ड्राइवर की निंदा करते हो, क्या वो ड्राइवर दूसरे के पास करेगा, वो तीसरे के पास, वो घूम फिर के आपके पास आने वाली है, वो कितनी बड़ी बात बन जाती है, उस चीज़ को आप नहीं समझते, वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, आगे नहीं धकेल रही है, आपको पीछे लेके जा रही है वो। तो ऐसे अपने जो जिससे फ्यूचर जनरेट होता है, ऐसी आदतों को सुधारो भैया जिससे आपका फ्यूचर बनता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि नए साल पे आप ये 2-4 आदत छोड़ के देखिए और आपका भविष्य कहाँ से कहाँ जाने वाला है उसके बाद आप देखना दोस्तों। मेरा कहना आज से आप मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नई साल है, इसमें आप अपनी एक दो आदत छोड़ के देखिए।